डॉक्टर की वजह से हर साल 7,000 लोगों की मौत क्यों हो जाती है? और दोस्तों, आइलैंड ऑफ डेथ का सच क्या है? दोस्तों, ऐसे ही ट्रिकी फैक्ट जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, आप सभी चाय के शौकीन तो होंगे। इंडिया में चाय के बिना दिन की शुरुआत नहीं होती। दोस्तों, ये जो चाय शब्द है, यह एक चाइनीज शब्द है जिसे भारत में इस्तेमाल किया जाता है। चाय को हिंदी में दूध जल मिश्रित शक्करा युक्त पर्वतीय बूटी कहते हैं। मतलब जब तक आप चाय मंगाने के लिए हिंदी में नाम लेंगे, तब तक चाय तैयार होकर आपको मिल चुकी होगी। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, दुनिया के तमाम आइलैंड को हम उनकी खूबसूरती से जानते और पहचानते हैं। हम सभी चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी एक बार ऐसे आइलैंड पर जाए। पर दोस्तों, इटली में एक आइलैंड है जिसे आइलैंड ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, कई साल पहले प्लेग से पीड़ित 1.5 करोड़ मरीजों को इस आइलैंड पर लाया गया था। काला बुखार मतलब ब्लैक डेथ के समय भी आइलैंड का ऐसा इस्तेमाल जारी था। ऐसे में जो लोग मर जाते थे, उन्हें यहीं पर दफना दिया जाता था। जब मरीजों की संख्या काफ़ी बढ़ गई तो 1,60,000 लोगों को इस आइलैंड पर जिंदा जला दिया था। इसके बाद इस आइलैंड को भूतिया आइलैंड भी कहा जाने लगा और यह आइलैंड वीरान हो गया। 1922 में आइलैंड पर मेंटल हॉस्पिटल बनाया गया था, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर और नर्सों को कई असामान्य चीज़ें दिखाई दी और यहाँ के मरीजों को भी प्लेग के मरीजों के भूत दिखाई दिए। इसीलिए कुछ सालों के बाद इसे बंद कर दिया गया। दोस्तों, यह स्टोरी थी आइलैंड ऑफ डेथ की। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, जापान में एक बार क्या हुआ, जापान में जो ट्रेन है वो अपने टाइम से 5 मिनट डिले आई। इस वजह से जो ट्रेन में ट्रेन कंडक्टर था, उसने हर एक ट्रेन के डब्बे में जाके और हर एक पैसेंजर से माफ़ी मांगी, सिर्फ 5 मिनट ट्रेन लेट लाने की वजह से। वाओ। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, आप सभी जो कोलगेट यूज़ करते हैं, ये वाला कोलगेट दोस्तों ये वाला कोलगेट अमेरिका का ब्रांड है। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यह जो कोलगेट है, यह अमेरिका में ही बैन है, क्योंकि दोस्तों इंटेलिजेंट के हिसाब से इसका हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, आपको आपकी स्क्रीन पर एक फ़ोटो दिखाई दे रहा होगा और वो फ़ोटो आपको कलरफुल भी लग रहा होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, वह फ़ोटो कलरफुल नहीं, ब्लैक एंड वाइट है। उस फोटो में हर एक के ऊपर कलरफुल लाइन ड्रॉ की गई है। दोस्तों, ध्यान से देखिए, जिसकी वजह से आपका माइंड इस फोटो को पूरा कलरफुल कर दे रहा है। दोस्तों, इसे कहते हैं माइंड का इल्यूजन। फैक्ट नंबर 7। क्या आपको पता है दोस्तों, ओलंपिक के फ्लैग पर 5 रंग के सर्कल क्यों बने होते हैं? ओलंपिक ध्वज में 5 रंगों नीला, पीला, काला, हरा तथा लाल के चक्र बने होते हैं, जो 5 महाद्वीप के प्रतीक हैं। नीला चक्र यूरोप महाद्वीप, पीला चक्र एशिया महाद्वीप, लाल चक्र अमेरिका, काला चक्र अफ्रीका और हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रतीक है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आप सभी अपने मोबाइल फ़ोन में ईमेल का यूज़ तो करते होंगे डॉक्यूमेंट्स और फ़ोटो भेजने के लिए। पर दोस्तों, क्या आपको मालूम है, ईमेल का आविष्कार एक 14 वर्षीय भारतीय बच्चे ने किया था, जिसका नाम V.A. शिवा अयादुराई है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, US में 100 या 100 से भी ज़्यादा लोगों को मर जाने के बाद उनकी डेड बॉडी को लिक्विड नाइट्रोजन में रखा गया है, जिसमें बेसबॉल लेजेंड टेड विलियम्स की भी बॉडी है। लिक्विड नाइट्रोजन में डेड बॉडी ख़राब नहीं होती, इसलिए इनकी बॉडी को लिक्विड नाइट्रोजन में रखा गया है कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी की वजह से इन्हें वापस जिंदा करने की कोशिश की जा सके। फैक्ट नंबर 4। तो आप सभी ने पाकिस्तान का नाम तो सुना ही होगा, पर दोस्तों, क्या आपको पता है, बिहार में एक गाँव है जिसका नाम पाकिस्तान है, और दोस्तों पाकिस्तान में भी एक गाँव है जिसका नाम बिहार है। बड़ी हैरानी की बात है दोस्तों। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आप सभी ने डॉक्टर की अजीब हैंडराइटिंग तो देखी होगी, पर दोस्तों, क्या आप सभी को पता है, डॉक्टर की अजीब हैंडराइटिंग की वजह से हर साल 7,000 लोगों की मौत हो जाती है, क्योंकि उन्हें मेडिकल स्टोर से कोई अलग दवाई ही मिल जाती है। दोस्तों, आगे से कभी आप मेडिकल स्टोर पर दवाई ले तो उस दवाई को डॉक्टर को दिखाने के बाद ही यूज़ करें। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, ये आदमी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जिन्होंने टेलीफोन की खोज की थी। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अलेक्जेंडर ने अपनी पत्नी और अपनी माँ को कभी फ़ोन नहीं किया था, क्योंकि इसलिए क्योंकि वह दोनों सुन नहीं सकती थी। फैक्ट नंबर 1। तो दोस्तों, मोनालिसा की पेंटिंग के बारे में कहा जाता है कि अगर आपका मन खुश है तो ये पेंटिंग आपको मुस्कुराती हुई नज़र आएगी, और अगर आपका मन दुखी है तो ये पेंटिंग आपको दुखी नज़र आएगी। तो दोस्तों, ट्राई करके देखिए आपको क्या लगता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही ट्रिकी फैक्ट्स देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल ट्रिकी वर्ल्ड पर।